हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोस्तों खोजकर्ताओं के नाम याद रखने के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक तो आइए शुरू करते हैं पुनः से आप देखिएगा दोस्तों वीडियो को आखिरी तक और यहाँ पर देखिए दोस्तों शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरवास्त करना चाहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर तो आज शुरू करते हैं इतना से आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोस्तों खोजकर्ताओं के नाम याद रखने में और ये आपके बहुत आद एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपका अवश्य ही दोस्तों एक दो क्वेश्चन इनके आधार पर पूछे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं इसके लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है ईंट पर नाच यहाँ पर देखिए आप ई ट पर नाच मतलब ईंट पर नाच और यहाँ पर आपको फिगर भी दिखता है दोस्तों एक ईंट पर नाचता हुआ कोई भी एक एक कार्टून यहाँ पर तो आप इस इमेज को भी याद रख के अपने दिमाग में पुख्ता कर सकते हैं कि आपको कैसे याद रखना है अब देखिए दोस्तों इनके माध्यम से आप कैसे याद रखेंगे ई का मतलब आपका होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर देखिए पहले वाले को आप जोड़ा बना लीजिए आज अब यहाँ पर देखिए ई का मतलब आपका होता है दोस्तों फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अर्थात जिस पर आपका दोस्तों ऋण कण होता है आपने देखा होगा परमाणु दोस्तों तो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं उनमें आपके तीनों कण आते हैं इनमें दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर की कक्षाओं में घूमता है इस पर आपका ऋण आवेश होता है तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों टै से आपका निकलता है टामसन टामसन कहें या फिर आप कहें थामसन तो यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता के नाम हैं वो हैं दोस्तों थॉमसन जे जी, जी थॉमसन आप पूरा नाम बोलेंगे और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए अठारह में इसकी खोज की थी 1897 में तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अब दूसरा आता है दोस्तों पैर पैर का मतलब आपका हो गया दोस्तों प्रोटोन और रे का मतलब हो गया दोस्तों आपका रदरफोर्ड तो यहाँ पर देखिए प्रोटोन क्या होता है प्रोटोन दोस्तों परमाणु प्रो, के नाभिक में उपस्थित धनात्मक आवर्षित कण होता है और यहाँ पर देखिए इसके खोजकर्ता के नाम है रदरफोर्ड इन्होंने दोस्तों 1920 में पुख्ता किया कि आपका जो धनावषित कण होता है वो आपका प्रोटॉन होता है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज गोल्ड ने की थी तो गोल्ड ने नहीं की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने ही की थी क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पर देखिए पता किन लगाया था कैनाल किरणों का लगाया था कैनाल किरणें दोस्तों जो आपकी धनात्मक किरणें होती हैं जो बेसिकली आपकी प्रोटोन के कारण ही आपकी पैदा होती हैं दोस्तों लेकिन वो नाम नहीं बता पाए थे कि ये प्रोटोन ही है तो ये पुख्ता किया था रदरफोर्ड ने तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि बताइए धन किरणों की या फिर आपके कैनाल किरणों की या फिर एनोड किरणों की खोज किसने की तो वो हो जाएंगे गोलस्टिन ने क्योंकि उन्होंने ही पता लगाया था सर्वप्रथम बाद में प्रोटोन नाम रदरफोर्ड ने दिया अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका शुरू होता है नाच ना का मतलब आपका हो गया दोस्तों न्यूट्रॉन और चे का मतलब आपका हो गया चैडविक यहाँ पर देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता यह आपका दोस्तों नाभिक में उपस्थित होता है उदासीन होता है लेकिन इस पर भार जो है प्रोटॉन की तुलना तो में ज़्यादा होता है तो ये आपका यहाँ पर हो गया न्यूट्रॉन और यहाँ पर देखिए चैडविक खोजकर्ता का नाम है चैडविक ने दोस्तों खोज की थी उन्नीस में अर्थात नाइनटीन में इन्होंने यहाँ पर खोज की थी तो ये दोस्तों आपके यहाँ आप पर तीनों के तीनों पुख्ता हो गए और हमेशा आपको याद रहेंगे इन पर आवेश याद रहेगा इनकी खोज कब की गई ये भी आपको याद रहेगा और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इनके आधार पर पूरा विस्तार में हम एक आपको टॉपिक बना के दिखाएंगे वहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से इन सबकी खोज हुई थी ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में ओके थैंक्स